हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वी लुकअप फंक्शन के बारे में बात करेंगे, उसका क्या यूज रहता है। यहाँ पे सिर्फ मैं आइटम की आईडी चेंज करूंगा, नेक्स्ट इसके बारे में खुद ब खुद ये फॉर्मूला में बताएगा, नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का डेट हमारे पास कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आइटम आईडी है, आइटम नेम है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू है। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वी लुकअप का, जिसकी मदद से हम एक ही टाइम में यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, नेम सब कुछ देख सकेंगे। उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको पहले मैं क्लियर यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ पे हम डेटा वैलिडेट करेंगे, जो कि मैंने वैलिडेट करके रखा है। ये लिस्ट मैंने बना के रखी है। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको फिर से एक बार बना के बता देता हूँ। इसके ऊपर अगर आप डेटा वैलिडेट करना चाहते हो तो मैं आपको करके बता देता हूँ। इस सारे के ऊपर क्लिक करें एंड देन डेटा ऑप्शन में जाके यहाँ पे दे रखा है डेटा वैलिडेशन, इसके ऊपर क्लिक करें। एनी वैल्यू की जब रखें लिस्ट एंड सोर्सेस में 2R01 से लेके 15 तक का आप डेटा सेलेक्ट करें एंड ओके करें, तो ये आपका डेटा वैलिडेट होके यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस सेल के ऊपर वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम इक्वल का साइन देंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप, इसको सिलेक्ट करेंगे टैब की मदद से। नेक्स्ट हम लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे दे रखा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारे लिए है QR001, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देन कोमा देंगे। नेक्स्ट टेबल एरे, हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे की जगह पे हम QR01 से लेके यहाँ लास्ट तक इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। हमने फर्स्ट रो को सिलेक्ट नहीं करना है, हमने सेकंड रो से बाकी सारा टेबल सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे हम कोमा देंगे। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर ये हमसे मांग रहा है, तो सेकंड रो में जो ये कॉलम इंडेक्स नंबर है, यानी कि सेकंड रो से डेटा डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम फिर से कोमा देंगे। उसके बाद ये आपसे अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच मांग रहा है। यहाँ पे हम जीरो देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, देन इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि आइटम आईडी के हिसाब से नेम मेंशन हो रहा है, जो कि यहाँ पे भी दे रखा है। अब हम इस फॉर्मूला को इन सभी सेल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि जब हम इस फॉर्मूला को इन सभी सेल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये एरर बताता है। जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि जो लुकअप वैल्यू थी वो H2 बता रहा है, जबकि हमारी लुकअप वैल्यू है H1। और टेबल एरे को भी ये A3 से लेकर A17 तक सेट कर रहा है, जबकि हमने A2 से लेकर E16 तक हमने डेटा सेलेक्ट किया था। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर भी 2 बता रहा है, तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा अल्टर करेंगे। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। इसको अल्टर करने के लिए यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे पहले हम H1 को फिक्स करेंगे, इसको सेलेक्ट करें, देन प्रेस करें F4। उसके बाद A2 और E16 को सेलेक्ट करें, फिर से प्रेस करें F4। इसके बाद हम कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह लिखेंगे रो ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद। जब हम इसके ऊपर एंटर करते हैं और इस फॉर्मूला को इन सभी सेल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये डेटा आपको बिल्कुल सही बताता है, खुद ब खुद बताता है। यहाँ पे आइटम आईडी है, नेक्स्ट नेम है, यूनिट प्राइस है, जो कि यहाँ से ये उठा रहा है, बिल्कुल ठीक उठा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेम जो है वो जीन्स है, यूनिट प्राइस इसका 50 है, क्वांटिटी यहाँ से 11 है, टोटल वैल्यू 550 है। अब हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो कि हमने डेटा वैलिडेट करके लिस्ट बनाई थी। अब हम इसको ये रख के देखते हैं तो QR007 जो कि है वो यहाँ पे दे रखा है, तो ये डेटा भी ये बिल्कुल ठीक बता रहा है। यहाँ से आप आइटम आईडी चेंज करते जाइए और डेटा देखते जाइए। तो फ्रेंड्स, ये था वी लुकअप का फंक्शन, या उसका इस्तेमाल कैसे करना है, हमने कैसे उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। यहाँ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पहले आपने लुकअप वैल्यू देनी है, उसको फिक्स कर लेना है, फिर टेबल एरे सेलेक्ट करना है, उसको फिक्स कर लेना है। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे आपने रो ब्रैकेट स्टार्ट करके बंद कर देना है एंड लास्ट जीरो लिखना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको एक्सेल के बारे में और वीडियोस चाहिए तो उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में जरूर दूंगा। अब जरूर जाके देखें। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।